ट्विटर ने एक घंटे के लिए ब्लॉक किया रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, कहा पॉलिसी का उल्लंघन किया। ट्विटर 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ता खतरा, अब तक 11 राज्यों में आए डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले। इंदौर में संभागायुक्त ने की मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बैठक, संभागायुक्त पवन शर्मा ने दी जानकारी। फंगस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर, इंदौर में फंगस के लिए मॉडर्न लैब में तैयार हुआ इंजेक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और इस वक्त हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन की। और सबसे पहले खबर कोरोना से जुड़ी हुई, कोरोना महामारी और उसकी वजह से आए ब्लैक फंगस ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया। फंगस से परेशान होने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरीज ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जो कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस और हार्ड फंगस की बीमारी को दूर करने में कारगर सिद्ध होगा। मॉडर्न लेबोरेटरीज ने आज से इसे बाजार में भी उपलब्ध करा दिया और दूसरे इंजेक्शनों से बहुत ही कम रेट में और आसानी से ये अब लोगों की पहुंच तक होगा। तो अब लोगों को ये इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक फंगस ने महामारी का रूप लिया हुआ है और बहुत लंबा और महंगा इलाज चल रहा है, और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मॉडर्न लेबोरेटरीज़ को इसका लाइसेंस दिया गया था और हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और यह प्रोडक्ट आज आप सब लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित है। प्रोडक्ट है जो बाज़ार में अभी चल रहा है लाइपोसोमल फॉर्म का, और करीब करीब 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन है और पेशेंट को 100, 150, 200, 300 इंजेक्शन तक लग रहे हैं और बहुत महंगा इलाज हो रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा ये 3200 रुपये की MRP पर उपलब्ध है। ये दवा बाज़ार में नवकार एजेंसी और सुनीता इंटरप्राइजेस पर उपलब्ध है रसूला फार्मा के द्वारा। देखिए ये क्या है, तो ये तो फंगस के अलग अलग रूप हैं। ये तो एंटीबायोटिक है और सभी तरह की फंगस में एंटी फंगल एजेंट है और सभी तरह। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। शहनवाज, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के शिकार लोग हैं उनके लिए एक ऐसा इंजेक्शन आ गया है जो काफी कारगर सिद्ध होगा, क्या कुछ जानकारी है? आप जिस तो तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पाया, लेकिन एक राहत भरी खबर इस वक्त ये नजर आ रही है जहां पर इंदौर में फंगस से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। फंगस के लिए मॉडर्न लैब में ये इंजेक्शन तैयार हुआ है और इस इंजेक्शन की कीमत भी काफी कम बताई जा रही है। पूर्व मंत्री राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह गुना पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि जब चारों ओर संकट था 2 महीने, उस समय सिंधिया कहां गुम हो गए थे। बता दें कि बीते दिनों गुना में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पीड़ित परिवारों के यहां शोक व्यक्त करने आए थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ बैठकर ट्विटर हैंडल पर आलोचना की। इसका पलटवार करते हुए विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि चाहे वो ये भूल गए हों कि हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जिन्होंने राहुल गांधी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में एक बड़ा नाम कमाया है, अस्पतालों में सेवा के जरिए कोरोना काल में उन्होंने जिला अस्पतालों में सेवा पहुंचाई, जो भी पीड़ित हुआ कोरोना से उसको सिलेंडर पहुंचाए और उन अनेक परिवारों की उन्होंने सेवा की और तमाम जिस तरह से मदद की जा सकती थी उन्होंने हर संभव लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश भी की। शायद वो ये भूल गए होंगे कि हमारे युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में एक बड़ा नाम कमाया, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की कोरोना के समय, उन्होंने हर अस्पताल में सेवा पहुंचाई, जो भी पीड़ित था कोरोना से उन तक सिलेंडर पहुंचाए,
अनेक प्रकार की सेवाएं की, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी तारीफ की गई है। वहीं ये बात स्पष्ट है कि भाजपा का युवा मोर्चा है वो गायब रहा। जब संकट था कोरोना का, उन दो महीने अप्रैल और मई में वो समय भाजपा ही कहीं भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम लोगों ने गुना में अकेले दो टैंकर दिलवाए ऑक्सीजन के, अनेक सिलेंडर दिलवाए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी थी। और इसके साथ साथ जो चर्चा गुना में है, जब संकट था वो, इंदौर संभाग ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण की सभी बाधाएं दूर होंगी। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में समीक्षा की गई। संभागायुक्त पवन शर्मा द्वारा बताया गया कि अक्टूबर माह से मेट्रो प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। नहीं, इसमें जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस तो इसमें उपयुक्त हैं, परंतु अगर कनेक्टिविटी बेटर की जा सकती है, मे बी विद एयरपोर्ट और मे बी विद लोकल ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशंस या लोकल जो हमारे बस सर्विसेज हैं उसको चर्चा की जाती है कि ताकि वो बेहतर कनेक्टिविटी रहे, ताकि बेस्ट उपयोग हो सके। नहीं, इसमें देखिए 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं जो ऑर्डर्स हैं, अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक कार्य समय सीमा रहती है। अभी जमीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं। वहीं जावरा में कोरोना के कारण विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण देश का प्रत्येक नागरिक इस विकट परिस्थिति में प्रभावित है। इस महामारी से अपना खर्च चलाने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसी सिलसिले में लगभग 6 सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर SDM जावरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि विद्यार्थियों की फीस, आम जनता के मकानों और नल के बिल, नगर पालिका की दुकानों का 2 माह का किराया सरकार द्वारा माफ करना चाहिए और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी पुनः शुरू करनी चाहिए, जिससे आमजन पर ज्यादा भार ना पड़े। ज्ञापन क्योंकि जनहित की बात हम हमेशा उठाते रहे हैं और आज भी हमने 4 बिंदु लेके हम आए थे और 4 में से 2 बिंदु हमारे आज ही SDM सामने स्वीकार कर लिए। ऊपर बात करके 10 मिनट में हमको रोका भी था और जवाब दिया कि 2 मांगे मंजूर हो गई। हमारी मांगे मुख्य रूप से थी कि कोरोना काल में हाउस टैक्स माफ़ किया जाए, कोरोना काल का जलकर माफ़ किया जाए, बच्चों की स्कूल फीस माफ़ की जाए और जो गैस की सब्सिडी निरस्त की है वो वापिस चालू। आशा ऊर्जा सहयोगी की भोपाल में गिरफ्तारी को लेकर आशा ऊर्जा सहयोग द्वारा गुना जिले की बमोरी तहसील के ग्राम कॉलोनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आशा सहयोगी द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। जिला संयोजक रानी साहू ने बताया कि भोपाल में हमारी आशा सहयोगियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और हम शिवराज सरकार से अपने हक की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाता। इस मौके पर अनेक आशा ऊषा सहयोगी मौजूद रहीं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कल जो हमारी भोपाल में दीदियों को गिरफ्तारी की गई है जी, उसके विरोध प्रदर्शन में सभी आशाओं के आक्रोश का मतलब आह्वान है जी। ये जो गिरफ्तारी की गई है उसी का आक्रोश है जो आज यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं और शिवराज सरकार, हम राज्य सरकार का पुतला जला रहे हैं। पुतला दहन पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सभी बहनें कर रही हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ना हम किसी के बहकावे में आएंगे, ना हम किसी से डरने वाले हैं। हमारा आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता जी। आज हमें सभी वही इंदौर में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और जुलाई से प्रस्तावित बड़ी दरों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोविड की वजह से प्रदेश के नागरिकों को पहले से ही आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को गाइडलाइन वैसी ही रखनी चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकारों से मध्य प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए।
कोरोना की विकराल परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। हालात ये कि सराफा बाजार जैसे ही खुला, दवाइयों का बिल पेमेंट करने के लिए या घर के खर्चे चलाने के लिए जो उधारी थी उसका भुगतान करने के लिए लोग अपने जेवर बेचने निकल पड़े। आप लोगों ने ही देखा, और आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसे अपने संपत्ति के दस्तावेज की चिंता थी, कोई वसीयत कराने के लिए ललायत था, ज़्यादा पैसे दे रहा था, तब भी हम वकीलों ने मानवता का परिचय देते हुए एक संदेश प्रसारित किया, वीडियो जारी किया कि आप अपनी डायरी लिख लें, डायरी में जिसे भी आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं कागज़ों पर लिख दें, दो गवाह लिख लें, वीडियो बना लें, वही वसीयत हम आपके नहीं रहने पर आपके परिवार के हित में रजिस्टर्ड करा देंगे। पब्लिक ने हम पर विश्वास किया और उसका शोषण रुका। आज 1 जुलाई से फिर सरकार गाइडलाइन बढ़ाना चाहती है। सरकार किसकी है? हमारी है, जनता की है, जनता के लिए, जनता के हित के लिए सरकार, और उस जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्री, ये कोई विलासिता की वस्तु नहीं है, ये जीवन के रोटी कपड़ा और मकान तीन मूलभूत सिद्धांतों में। वहीं पिछले दिनों इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र और सराफा थाना क्षेत्र में एटीएम मशीन से उंगली फंसाकर 2,30,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया। वहीं इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में फिर एक एटीएम मशीन में उंगली फंसाकर 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं पूरी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक मशीन में हरकत करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जूनी इंदौर पुलिस ने दलबल के साथ जाकर थाना क्षेत्र में जितनी भी बैंक हैं उसमें चेकिंग अभियान चलाया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि बैंकों में लगे कैमरे चालू हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं बैंकों में सीसीटीवी, अलार्म, गार्ड सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए भी तमाम निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुना में नगर पालिका की टीम साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मुख्य नगर पालिका के कार्यकाल में सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव के सहयोग से नगर पालिका परिषद को कचरा वाहन भेंट किया गया। इस दौरान सांसद के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा सांसद को सम्मानित भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के आष्टा के सिद्धिगंज खचरोद सहित आसपास के ग्रामीण वासियों ने रोड निर्माण को लेकर धरना दिया। दर्जनों ग्रामीणों ने मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय भाजपा विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही नारेबाजी भी की गई। वहीं आष्टा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ग्रामीण वासियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरना देने वाले ग्रामीणों को समर्थन दिया। वहीं सरकार से सड़क निर्माण की मांग भी की गई। वहीं कोटा राजस्थान से रेलवे के रैक से सीधी और सिंगरौली जिले के किसानों के लिए 3 MT 1000 यूरिया की खेप भेजी गई, यानी 3 मैट्रिक टन 1000 यूरिया की खेप भेजी गई। 500 मैट्रिक टन सीधी जिले के, बाकी 2,500 टन सिंगरौली के लिए भेजी गई। बरगवां रेलवे स्टेशन पर यूरिया खाद उतारी गई, लेकिन अभी तक रेलवे ने इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल द्वारा दोनों जिलों को खाद मुहैया कराई जा रही है। खुले आसमान के नीचे खाद डंप की गई, जिसके कारण जमीन में खाद होने से बारिश की वजह से खाद भीग गई, जिससे दोनों जिलों में हड़कंप मच गया। गीली खाद होने से समितियों में किसानों ने खाद देने से इनकार कर दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। काफी बारिश इसमें हुई थी, उस टाइम पर हमारे 3 रैक लगे थे उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचाने, तो गेहूं भी उस समय पर आया था और एक यूरिया की रैक भी समय पर लगी थी। उस समय काफी बारिश हो रही थी, उस समय जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं की गई थी, फिर भी कुछ मात्रा में जो है वो जो खाद है वो भीग गया था। तो उसके संदर्भ में हमने जो हमारे जो एग्रीकल्चर का अमला है, जो हमारा DMO है, उनको निर्देशित किया है कि वो वहाँ जाके उसके वस्तुस्थिति का पता लगाएंगे और जो भी अच्छी खाद है उसको पहले यूटिलाइज करेंगे, और जो भी अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर उसकी अगर कोई खाद खराब होने की जानकारी।
वहीं सिंगरौली में परिवहन विभाग की टीम इन दिनों एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। परिवहन विभाग की टीम ने बरगवां में जांच पड़ताल करते हुए बिना परमिट की चल रही 3 यात्री बसों को जब्त कर लिया। विभाग की इस कार्रवाई से बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। अनलॉक शुरू होने के बाद यात्री बसों को भी कोविड-19 की शर्तों के अनुसार परिचालन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर बस मालिकों ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया। आलम यह है कि न तो बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और बस यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया है। वहीं धार में नगरपालिका अधिकारी की बेरुखी से जनता और ठेकेदारों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका द्वारा 11 करोड़ रुपयों की लागत से आरओ वाटर सप्लाई लाइन डाली गई थी, जो पिछले एक साल से ठेकेदार द्वारा रोजाना सुचारू रूप से नगरवासियों को आरओ का पानी पिलाया जा रहा था, मगर नगरपालिका द्वारा ठेकेदार को मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पैसे न मिलने की वजह से इलाके में आरओ वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में ठेकेदारों ने कुछ दिन पहले SDM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन किसी भी नगरपालिका अधिकारी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैं VRS वेलजी रत्न सोरठिया की कंपनी से और से ये मनावर का प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं। आज प्लांट बंद करने का क्या कारण था? अभी हमारा नगर पालिका से भुगतान के बारे में, हमने नगर पालिका को मेंटेनेंस के बारे में हमने उनको 12 महीने से हमारे को पेमेंट नहीं मिला है मेंटेनेंस का। वहीं गुना में बैंक कर्मियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ लोन चुकाने के लिए मोहलत मांगने पर बैंक कर्मियों ने परिवार के साथ मारपीट कर दी। इसमें परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और ये पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड भी हो गई। दरअसल भुल्लनपुरा निवासी विनोद ओझा दूध डेयरी चलाते हैं। उन्होंने HDFC बैंक से 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी लोन लिया था। उनकी हर महीने की 11,000 रुपए की किश्त थी। उन्होंने 18 महीने तक लगातार किश्तें चुकाई भी, लेकिन कोरोना के दौरान दुकानें बंद रहीं, इस कारण आमदनी भी बंद हो गई। वहीं शाम के वक्त बैंक के कुछ लोग उनके घर पर किश्त मांगने आए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। वहीं रीवा शहर के बाढ़सागर कॉलोनी में सिंचाई विभाग का बना शासकीय आवास धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इसकी हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके इन शासकीय आवासों में सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर है। बता दें कि पिछले कई सालों से बना ये भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसमें कुल 16 मकान हैं। इस जर्जर भवन में रहना इन कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि इन्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि वो प्राइवेट मकान किराए से लेकर रह सकें। वहीं इंदौर में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के बल पर पेट्रोल पंप पर मैनेजर से लाखों रुपए की लूट की है। लूट को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। पिपलियाना इलाके में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को लेकर राजस्थान के लिए रवाना हो गई है और हिरासत में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावल थाना क्षेत्र पर पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी, तो उस लूट के सिलसिले में 2 लोगों के नाम यहाँ का आए थे। पिपलिया राव निवासी है, एक ललित है और दूसरा दीपक राठौर है। तो इनकी तलाश में सावल के थाना प्रभारी खुद आए थे। इन दोनों को यहाँ से पकड़ा है और उस वारदात में इनको शामिल होना पाया गया है। तो वही सिंगरौली परसोना से रजमिलान जाने वाली मुख्य सड़क में खुटार के पास बनी पुल अचानक देर रात टूट गई, जिसके बाद करीब 2 किलोमीटर तक दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बता दें कि बारिश की वजह से आवागमन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये पूरा मामला प्रशासन की लापरवाही की वजह से है, ऐसा वहां पर रहने वाले लोग कह रहे हैं। समय रहते पुल का ठीक से निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से करीब 100 गाँव का आवागमन बाधित हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।